लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे गुण स्वर संधि, ठीक है, उसका एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। ये संधि के 5 भेद हैं स्वर संधि के, ठीक है। संधि के पहले 3 भेद थे, फिर स्वर संधि उसके अंदर एक था, तो उसके ये पार्ट हैं। अब आती है बारी दीर्घ स्वर संधि। वर्ड के मीनिंग पर जरूर फोकस करें। इसका नियम क्या है, रूल क्या है, ये देखो। दो स्वर्ण यानी दो सवर्ण स्वर मिलकर, सवर्ण यानी वर्ण सहित स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, यदि ए आ इ ई उ ऊ और र के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। के बाद से ही यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आ ई उ र। जैसे ए आ जमा ए आ इज इक्वल टू आ, इ ई जमा इ ई इज इक्वल टू ई, उ ऊ जमा उ ऊ इज इक्वल टू ऊ। अब इसको पहले तो हमने वर्णों से समझा है, अब हम समझते हैं शब्दों से। गिरी जमा ईश यानी छोटी ई जमा बड़ी ई, तो क्या हो गया, गिरीश, गिरीश, राइट। उ यहाँ देखो उ उ, तो क्या हो गया, जब उ उ आगे के ये दोनों ले लो तो क्या बन गया, उ, तो क्या हुआ, भानु जमा उदय भानुदय, शिव जमा आलय, तो अ जमा आ, तो क्या हो गया, शिवालय। कोण जमा अर्क, कोण जमा अर्क, तो अ अ तो क्या हो गया, आ कोणा, ठीक है, कोणार्क। देव जमा असुर इज इक्वल टू देवासुर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं जो वो उतार चढ़ाव है स्वर और वर्ण के और व्यंजन के आपको क्लियर कर रही हूँ। अब आपका जो स्वर संधि का थर्ड पार्ट यानी तीसरा भेद है वो है वृद्धि स्वर संधि। इसका नियम देखिए, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है, ठीक है। ध्यान से एक बार और देखो, ए या आ के बाद ए या ए आए, ए या ए आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ। यहां पर क्या आएगा, ए, और यहां क्या आएगा, औ। यहां इसको हम विस्तार से बताते हैं, जैसे देखो, अ जमा ए ए, आ जमा ए ए, ठीक है। यही चीज तो कही है इसने कि आप ए या आ के साथ यदि ए आता है तो दोनों में ही हम ए लगाएंगे, बड़ा ए, ऐसे एनक, ठीक है। ऐसे ही अ जमा ओ औ हो जाएगा और अ जमा औ औ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जबकि ओ और औ होने के बावजूद, जबकि दोनों अलग हैं, यहाँ पर ए और आ अलग है, लेकिन इनका जो इज इक्वल टू आंसर आना है वो औ ही आना है, ठीक है। और ऐसे ही उसने बोला है कि यदि आ और ओ तब भी औ आएगा, आ या औ तब भी औ आएगा, ठीक है। नियम को फोकस करें, आपको बहुत इजी हो जाना है। सदा जमा एव, सदैव। अब यहां देखो, आ जमा ए एव, ठीक है, आ जमा ए एव। अब यहां पे क्या आ गया आपका, सदैव। एक तो छोटे की और एक बड़े की दो मात्रा यहां पर लग गई हैं। महा जमा ऐश्वर्य, महा यानी आ और ए इज इक्वल टू ए, महा जमा ऐश्वर्य इज इक्वल टू महेश्वर्य। एक जमा एक, अ जमा ए का नहीं, आप इसके किस पे जाना है, स्वर पर, अ जमा ए, तो क्या हो गया, ए एक, एक
एक एक, वन जमा औषधि, अ जमा औ, अ जमा औ, औ वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आपका जो चौथा है वो है यण स्वर संधि। इसके नियम को ध्यान से आप देखें, यदि इ ई उ ऊ और र के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इ ई का या उ ऊ का व और र का र हो जाता है। ध्यान से देखें इसको, ये बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा। इ ई उ ऊ और र के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, पहले तो इन्हीं के आ रहे थे, जैसे यहाँ पर देखा आ ओ हो गया, आ औ हो गया, या आपका ये देखो अ में ए हो गया, लेकिन यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इ ई का या हो जाता है और उ ऊ का वा हो जाता है और र का र हो जाता है। जैसे ई जमा अ या, यहाँ पर दिया है ना, ये आप देखें सब में क्या आएगा, ये कौन सा है, यण स्वर संधि, ई जमा अ या, हलंत इनमें सब में लगा हुआ है, यानी ये बिना स्वर, जिनमें हलंत है उनमें स्वर नहीं आ रहा है बोलने में। उ जमा अ व, ब नहीं बोल रही हूँ, या नहीं बोल रही हूँ, य, उ जमा आ व, र जमा अ र, ल्र जमा आ ल, ल्र जमा आ ल। समझ में आ गया, इसके उदाहरण देखते हैं। अति जमा आवश्यक, यानी ई जमा आ, तो क्या हो गया, अत्यावश्यक। तो यहां पर हमने कहा था ना या हो जाएगा, और ये या आपको पता है किस तरीके से, आपका आ प्लस हो गया तो यहां पर या हमने लिखा है, अदरवाइज इसके अंदर स्वर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब प्रति जमा एक, ई जमा ए, तो क्या हो गया, य, प्रत्येक। अनु जमा एशन, यानी उ जमा ए, तो क्या हो गया, अनुवेशन। व, आगे समझ में, सु जमा आगतम। अब ये चीज अक्सर आपका संधि विच्छेद में आता है, लेकिन छोटी क्लासेस में तो सिर्फ विच्छेद आएगा, सु जमा आगतम स्वागतम। अब ये व कैसे आया है, ये यण स्वर संधि है, ये हमें ध्यान रखना है। और उ जमा अ या उ जमा आ, तो क्या बन गया, व। तो इसलिए क्या आया, अनु जमा एषण अन्वेषण, सु जमा आगतम स्वागतम, वी जमा आख्या, अब ई जमा आ गया तो आपका या। ठीक है, ई जमा अ या, तो यहां पर आपकी छोटी ई है और अ है, तो यह आ गया व्याख्या। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट है आपका अयादि स्वर संधि, यदि ए आई ओ औ। आई होप आपकी वीडियो लंबी होने जा रही है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर लेते हैं, और इसको कंटिन्यू आप पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा, और लिख के करें, और एग्जांपल्स आप जरूर लिख लिख कर करें। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट एडुबेस फाउंडेशन के एजुकेशनल चैनल पर बेसिक हिंदी और हिंदी व्याकरण के लिए, ये 1st to 10th क्लास और 10th से अबव क्लासेस के लिए भी ये बेसिक्स में आने वाले टॉपिक हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। बाय।